गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तमे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है आप सभी से। मैं अभी मंदिर से आई हूँ। आज मंदिर का कोई वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं खुद ही लेट पहुँची थी, मुझे दर्शन नहीं हो पाए थे। पर आइए, मैं माथा टेक करके आई हूँ, जमुनावा के दर्शन करके आई हूँ। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं कुछ करूँ, और मेरे पास में दो ऑप्शन है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऑप्शन क्या है। तो वो ऑप्शन मैंने चूज कर लिया है कि मुझे क्या करना है। तो देखिए, मैं बता देती हूँ कि मुझे मैं अपने सूटों का बिजनेस करूँगी अब, और एक दो दिन में आपके पास में मेरे सूटों का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। एक दो दिन और लगेंगे, मुझे कुछ माल मेरा आ गया है, कुछ अभी आना बाकी है। और साथ में ही मैं ऑर्डर नंबर वगैरह सपोज उसी में दे दूंगी। पर फिलहाल में मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैं मतलब कि जो भी मैं करना चाहती थी फाइनली वो मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे करना क्या है। और उसका चैनल मैंने दूसरा बनाया, जो मैं सूटों का कलेक्शन जो लेकर के आऊँगी आगे, सूटों का लेकर के आऊँगी, जिन्हें साड़ियाँ चाहिए उनके लिए साड़ियों का भी कलेक्शन लेकर के आऊँगी। तो जो मैं सूटों का कलेक्शन जो लेकर के आऊँगी वो चैनल मैंने अपना दूसरा बनाया है, उषा कलेक्शन क्लॉथ के नाम से, उषा क्लॉथ कलेक्शन के नाम से है। तो वो वाला चैनल मैंने अपना अलग बनाया है, उषा क्लॉथ कलेक्शन। तो उसका लिंक मैं जब भी वीडियो डाला करूँगी, अभी भी डाल रही हूँ पोशाक की, क्योंकि सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी की पोशाक से ही शुरुआत की है। और मैंने सोचा आपको ये वाली बात बता देती हूँ, क्योंकि देखिए मेरा नया नया काम है, नया नया ही अभी है। तो जिस तरीके से आपने मुझे मेरे उषा ब्लॉग चैनल पर अब तक मुझे इतना सपोर्ट किया है, तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे मेरे जो उषा क्लॉथ कलेक्शन है उस पर भी आप मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए। और डालने को तो देखिए मैं ये वीडियो मैं इस चैनल पर भी डाल सकती थी, पर नहीं, मैं इस पर नहीं डालूँगी क्योंकि ये मेरा अलग से ब्लॉग वाला चैनल है। इसलिए तो मैंने वो अपना जो सूटों का जो कलेक्शन लेकर के आई हूँ और डालूंगी वीडियो, तो वो वाला मैं अपना चैनल अलग बनाया है उषा क्लॉथ कलेक्शन के नाम से। और सूटों का देखिए मैं कुछ माल दिखा देती हूँ जो कि मेरे पास आ चुका है। बच्चों ने चला ली टीवी क्योंकि बच्चों की छुट्टी है आज। तो देखिए अभी मेरा कुछ इस तरीके से माल आ गया है, अभी आना बाकी है, तो सोच रही हूँ मैं डाल दूंगी, एक दो दिन अभी और लगेंगे मुझे। तो इस तरीके से मेरे सूटों का ये कलेक्शन आ गया है। ये सब वूलन के सूट हैं, इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से अभी बस धीरे धीरे माल मेरा शुरू हो रहा है, मतलब कि सूटों का अभी रह गया है लाने के लिए। तो मुझे आपको यही बात बतानी थी, मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करती हूँ क्योंकि शुरुआत मेरी होने वाली है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने दिवाली से पहले आपको बोला था कि मैं आपको घर गया था, मैं भी तो रुद्र आ गया था अभी। तो मैंने आपको दिवाली से पहले बताया था कि आपको एक अच्छी सी गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगी, जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो ये वाली गुड न्यूज़ यही वाली थी जो मैंने बताया था, दिवाली के बाद मैं बताऊँगी, दिवाली के बाद मैं पता चलेगा। तो यही वाली गुड न्यूज़ थी मैं, क्योंकि मैंने सोच तो काफ़ी टाइम से रखा था, पर थोड़ा अपना हिसाब देखना था मुझे इस वजह से। तो फाइनली मैंने पूरा डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे है ना सूटों का ही करना है, मतलब सूट हैं साड़ी हैं तो कलेक्शन में सूटों का लेकर के आऊँगी। और अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस यही चाहती हूँ मैं कि जिस तरीके से आपने मुझे उषा तमे ब्लॉग चैनल पर जो मुझे आपने इतना सपोर्ट किया है, तो मुझे है ना आप मेरे दूसरे चैनल पर भी उतना ही सपोर्ट करें, मुझे उषा क्लॉथ कलेक्शन के नाम से जो है। तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको, बाकी का वीडियो डालूंगी, सूटों को दिखाऊंगी, तो बाकी की जानकारी मैं आपको तभी दूंगी। तो बस मुझे यही बात आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, और सूटों का कलेक्शन जल्दी से आने वाला है, तो मेरा एक भी वीडियो है ना मिस नहीं करना बिल्कुल भी,
क्योंकि एक दो दिन में मेरे सूटों का कलेक्शन आ जाएगा जो मैं लेकर के आई हूँ, और अभी आने माल भी आना बाकी है, अभी रह गया आने के लिए इसलिए। तो चलिए, मुझे है ना यही वाली अपडेट देनी थी आप सभी को, और जितना सपोर्ट आपने मुझे उषा तनु ब्लॉग में किया है उतना ही आप मुझे उषा क्लॉथ कलेक्शन पर भी करें, यही चाहती हूँ मैं।